बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है आलमसर्फ अवलैन 92 नंबर सबक है। सुलासी और रुबाई में हर एक की दो दो किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। यानी हर एक की दो दो किस्में हैं, सुलासी की भी दो किस्में हैं, मुजर्रद और मजीद फी, रुबाई की भी दो किस्में, मुजर्रद और मजीद फी। मुजर्रद किसको कहते हैं? मुजर्रद इसको कहते हैं कि जिसकी माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, मसलन ज़रबा और तहरजा। हर्फ असली के अलावा, ये हर्फ असली है ज़रबा, इसलिए कि फा आइन और लम के मुकाबले में फा आला और फा ला दहरजा और दहरजा। हर्फ असली ये यहाँ पर, ये तीन हर्फ असली हैं और यहाँ पर चार हर्फ असली है, इसमें कोई जायद हर्फ नहीं है। यानी फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में है, जो फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में नहीं है ऐसा कोई हर्फ इसमें नहीं है, तो इस वजह से ये है सुलासी मुजर्रद और ये है रुबाई मुजर्रद। यानी सुलासी यानी मुजर्रद उसको कहते हैं कि जिसका सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई हर्फ ज़ायद ना हो, कोई हर्फ ज़ायदा ना हो। और हरूफ ज़ायदा हम पढ़ चुके हैं कि या तो सा, अल, सा, अल, तुम, नी, हा, साल तुम, नी, हा, या तो इसका मजमू ये आ रहा है कि हरूफ ज़ायदा ये नहीं है कि ये हरूफ जो है जहाँ पर भी हुई हरूफ ज़ायदा हो, इस तरह नहीं है, बल्कि हरूफ ज़ायदा जितनी भी है इन हरूफ में से होंगे, इन हरूफ में से हरूफ ज़ायदा। और इसको एक दूसरा मजमू भी ले सकते हैं, आमान व तसहील, अमजा ये, मीम ये, अलिफ ये, नून ये, वाव ये, ता ये, सीन ये, अहा ये, या ये, और लाम ये। सअल तुमूनीहा अमानुन व तसहीलुन, इसका मतलब ये है कि ये हरूफ यानी जहाँ पर भी जायद हरूफ हो इन हरूफ में से होंगे, जायद हरूफ इन हरूफ में से होंगे, इनसे खारिज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये हरूफ जो है ये हरूफ ज़ायदा है, जहाँ पर भी हो ये हरूफ ज़ायदा होंगे, इस तरह नहीं है, बल्कि ये हरूफ यानी जहाँ पर भी हरूफ ज़ायदा हो उन हरूफ में से होंगे। ये मजमुआ है इनमें से या इनमें से, ये दोनों एक ही हरूफ है, साल तुमूनीहा अमानुन व तसहीलुन, इन हरूफ में से, तो इनमें से कोई हर्फ़ न हो, इनमें से कोई हर्फ़ हो फ़ाइल लाम कलमे के अलावा, इसमें कोई ऐसा हर्फ़ न हो कि इस मजमूए में से हो या इस मजमूए में से हो, तो उसको हम मुजर्रद कहते हैं। और मजीद फी वो है जिसके माजी की सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई हर्फ़ ज़ायद भी हो, कोई हर्फ़ ज़ायद भी हो, मसलन इजतनबा। तो इजतनबा इसका वज़न हम निकालेंगे तो इफ़ ताआला, इफ़ताला, ये इफ़ताला है। यहाँ पर जो है इस तंसरा इस तफ़ आला, इस तफ़ आला, और तसरबला है तो तफ़ा ला, तजंदका है तो तफ़ा ला। तो यहाँ पर देखें अभी ये फ़ा इन लाम, फ़ा कलमे के मुकाबले में यानी जीम, इसमें जीम हर्फ असली है, नून हर्फ असली है, इसलिए कि जीम जो है फ़ा कलमे के मुकाबले में है, नून आयन कलमे के मुकाबले में है, और बा लाम कलमे के मुकाबले में है। तो हरूफ असली के अलावा जायद हर्फ भी है, इसमें से अलिफ़ और ता, अलिफ़ और ता, ये अलिफ ये हमज़ा है
और ये ता है, ये हरूफ ज़ायदा में से है और फा अन्ना के अलावा है, तो इसको हम कहेंगे मज़ीद फ़ी। और हरूफ असली इसमें तीन है तो उसको कहेंगे सुलासी। हरूफ असली तीन है, सुलासी है, और हरूफ असली के अलावा और भी ज़ायद हर्फ भी है तो मज़ीद फ़ी कहेंगे उसको, मज़ीद फ़ी। इस तफ़ाला है तो फ़ा आयन लाम कलमे के मुकाबले में नून स्वाद कार्रा है, और हमज़ा सीन और ता। सअल्तुम तस्हीलुन, और हमज़ा जो है यहाँ पर हमज़ा, यहाँ पर अमानु तस्हीलुन, और यहाँ पर जो ता है सअल्तुमुनी और तस्हीलुन, तो ये तीन हर्फ इसमें ज़ायद है, यानी फ़ा आयन लाम के अलावा इसमें कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो तीन हर्फ, हरूफ असली इसमें तीन है तो सुलासी है, और हरूफ ज़ायदा भी है तो मज़ीद फ़ी है, मज़ीद फ़ी। तफ़ाअला, हरूफ ज़ायदा चार हो, हरूफ ज़ायदा इसमें कितने चार है, सीन रा बा और लाम, चार है तो रुबाई है, और हरूफ असली के अलावा ज़ायद हर्फ भी हो, हरूफ असली के अलावा ज़ायद हर्फ भी हो तो मज़ीद फ़ी है, और यहाँ पर भी इस तरह है रुबाई और मज़ीद फ़ी। इस सबक में हमने ये पढ़ा कि सुलासी उसको कहते हैं जिसमें तीन हरफ़ असली हो, रुबाई उसको कहते हैं जिनमें चार हरफ़ असली हो, फिर उसके दो दो कस्में हैं, एक मुजरद है एक मज़ीद फ़ी, इसकी भी एक मुजरद और एक मज़ीद फ़ी है। मुजरद उसको कहते हैं कि जिसमें हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ न हो, चाहे वो सुलासी हो या रुबाई हो, यानी तीन हर्फ असली हो चार हर्फ असली हो, लेकिन इन तीन हर्फ असली और चार हर्फ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ न हो तो उसको हम मुजरद कहेंगे, सुलासी मुजरद या रुबाई मुजरद। और मज़ीद फ़ी उसको कहेंगे कि उसमें से यानी तीन हर्फ असली हो या चार हर्फ असली हो, इन तीन हर्फ असली और चार हर्फ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो तो उसको हम मज़ीद फ़ी कहेंगे। इस तरह इजतनबा, तो इसमें हमज़ा और ता जो है ये ज़ायद है, और इसमें हमज़ा सीन और ता ये ज़ायद है। तो ये है आज का हमारा सबक, इसमें हमने पढ़ लिया कि सुलासी के दो कस्में, सुलासी मुजरद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजरद और रुबाई मज़ीद फ़ी। मुजरद उसको कहते हैं कि जिसमें हरूफ असली चाहे तीन हो या चार हो, उसके अलावा कोई ज़ायद हर्फ ना हो तो उसको मुजरद कहते हैं। और हरूफ असली यानी माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में, वाहिद मुज़क्कर गायब में हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ हो तो उसको हम मज़ीद फ़ी कहेंगे, सुलासी मज़ीद फ़ी या रुबाई मज़ीद फ़ी। हरूफ असली तीन हो और उसके ज़ायद उससे ज़ायद हर्फ भी हो तो उसको सुलासी मज़ीद फ़ी कहेंगे। अगर हरूफ असली चार हो और उससे मज़ीद हर्फ हो तो उसको हम रुबाई मज़ीद फ़ी कहेंगे, और उसके अलग अलग अवज़ान हैं, अगर उस वज़न से अलग हो तो वो हरूफ ज़ायदा है। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।